बिग बॉस सीजन 14 को शुरू हुए अब लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं। घर में सभी कंटेस्टेंट के रंग रूप निकल के सामने आ रहे हैं। जहां पे घर की सबसे बड़ी विलन निकी तंबोली बनती हुई नजर आ रही है, वहीं रुबीना दिलायक काफी ज्यादा एंटरटेनिंग दिख रही है। इस बार वीकेंड के वार में खुलासा होने वाला है एक और ऐसी चीज का जो बिग बॉस में हमेशा प्रचलित रही है और सबकी पसंदीदा रही है, और हर सप्ताह कोई ना कोई कंटेस्टेंट उसमें जाता है लेकिन पछताता है। जी हाँ, समझ गए होंगे आप, काल कोठरी की हम बात कर रहे हैं। बिग बॉस की इस सीजन की काल कोठरी अब आने वाले एपिसोड में खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द ही देखेंगे बिग बॉस के सीजन 14 में भी काल कोठरी का खुलना अब तय हो चुका है, जहां पर घर वाले अपने हिसाब से वोटिंग करके किसी एक सदस्य को काल कोठरी में भेजेंगे। अब दोस्तों, शुरुआती अपडेट्स की माने तो घर वालों की वोटिंग के आधार पे निकी तंबोली को जेल में जाने के लिए सबसे अधिक वोट मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पूरे सप्ताह सभी को बहुत परेशान किया है और साथ ही साथ वो काफी अब्यूजिव भी रही है। हालांकि निकी तंबोली सीनियर की कैटेगरी में आ चुकी है, तो हो सकता है कि उन्हें इस चीज का फायदा मिले और वो जेल में ना जाए, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको काल कोठरी देखने को मिल जाएगी। ये काल कोठरी आने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी ज़्यादा मजे में नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार सीजन काल कोठरी में काफ़ी समय तक निकाला है। सिद्धार्थ इन घर वालों को काफ़ी चिढ़ाते हुए टीज करते हुए भी नजर आएंगे। काल कोठरी के शुरू होते ही घर में अब नया हंगामा मच जाएगा, क्योंकि जो जिसको वोट करेगा उसकी दुश्मनी अपने आप बन जाती है। खैर, काल कोठरी की हवा खाने के लिए बिग बॉस के कंटेस्टेंट को होना पड़ेगा तैयार, क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 में अब सीन पलटने वाला है। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये सीजन अब तक? कमेंट बॉक्स आपका है, जवाब दें और सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, ताकि आपको बिग बॉस 14 की हर अपडेट यहां मिले दोस्तों सबसे पहले।